राष्ट्रीय जनता दल के महाधिवेशन में आए हुए देश भर के सभी कार्यकर्ता साथीगण, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, भाइयों और बहनों, मैं नेताजी का आज निधन हो गया, और हमने मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राय दिया कि नेताजी के सम्मान में राजकीय शोक दिवस मनाया जाए, और एक दिन का राजकीय शोक घोषित हो गया है बिहार में। ऐसे समय में हम लोग जुटे कि आज देश मरमाहत है नेताजी के नहीं रहने की वजह से। नेताजी और भाई शरद यादव जी और मैं, तीन आदमी लोकसभा में रह करके पूरे लोकसभा को जागरूक और लड़ाकू हम लोगों ने बनाया। उसमें से एक हमारे नेता उठ गए और आगे उनकी क्षतिपूर्ति मुश्किल है। मैंने देश ऐसे समय में हम आए हैं कि देश में इमरजेंसी जैसा हालत हो गया है। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए, लगता है कि इमरजेंसी हो गया है और तानाशाही, और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में है, हमारे बुनियाद में है, और आप लोगों को मालूम है कि मंडल का आंदोलन, मंडल वर्सेज कमंडल, ये कमंडल लेकर लोग निकले थे उस दिन से सामाजिक न्याय के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ। बाद में झुक करके लोगों रिजर्वेशन को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, लेकिन ये शुरू में ही आपको मालूम है, शुरू में ये बोलते थे लोग जात पात फैला रहे हैं समाज में, और इसका प्रभाव हम लोग नहीं करते। और आज देश भर में हमको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। इसीलिए दिल्ली में आज ये महाधिवेशन बुलाया गया आप लोगों को। फिर हम लोग अलग अलग राज्यों में भी मनाएंगे और इनको नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे मुरई के तरह। सभी साथी लोगों को, सभी कार्यकर्ता लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि एकताबद्ध रहना चाहिए, एक होकर के, और एकता के बल पर ही ये सारा देश में आप मजबूती ला सकते हैं। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया है, पूरा सांप्रदायिक रंग दे दिया है, हर बात में मुस्लिम मुसलमान तो मस्जिद मंदिर, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, लाचारी व्यवस्था है। लोग बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक एक 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। लोगों ने पास खोल लिया, कहाँ गया वो रुपया, बताओ कहाँ गया रुपया, नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा। क्यों झूठ बोला, और झूठ बोल के फ्रेम करके ये लोग शासन में आए हैं, और सारा देश सब समझ गया इनको, सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के साथ सब लोग मिल करके, ये बड़ी पार्टी के साथ भी हम लोग मिल के और एकता बना रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा, उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी।
और पूरा टाइम हम इसमें लगाएंगे खपाएंगे और हम इस दिशा में काम ही कर रहे हैं। जब इधर काम शुरू किया तो उधर सीबीआई का फरमान चलाया। जब जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ईडी और सीबीआई का छापा छापा मारो। छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? तुम्हारे में समझिए छापा छापा मारा आपको छाप देंगे हम लोग। जैसे जैसे छापा जाता था ना पहले वैसे छपैया कर दिया जाएगा देश की जनता। और आप लोग ने पूरा मैंने कल भी कहा था कि जो भी बात कहना है नीतिगत बात हो जो भी हो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ही बोलेंगे बाकी लोग नहीं बोलेगा और जाके कम्युनिकेट करेगा। कोई बात है तो राय दे देंगे लेकिन अलग अलग बात को नहीं उठाएंगे। हम नेताजी के संस्कार में हम जाते अखिलेश जी से बात किया लेकिन हम सिंगापुर जा रहे हैं कल स्वास्थ्य चेक कराने के लिए इसलिए हम नहीं जा रहे हैं और तेजस्वी यादव को हम वहाँ भेज रहे हैं। ये जा रहे हैं तेजस्वी सफाई सफाई में शरीक होंगे उनके संस्कार में नेताजी के। आप लोग को मैं धर्मपुर जितना लोग यहाँ है इससे आधा लोग बाहर खड़ा है जितना वर्कर लोग खचा खच भरा है और इसमें इसी तरह से हमको एकजुट रहना है और इनको हटाना है। तो सब लोग हाथ उठाओ हटाओगे कि नहीं भाई साहब सब उठाओ इनको ध्वस्त करो। भाजपा बोलता है भाजपा भारत जलाओ पार्टी है शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। भाजपा का मतलब भा जो का मतलब जलाओ आपा मैंने पार्टी ये यही है यही इनका झूठ प्रेम में ये चलते हैं और इनको हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे एक ताबत हो करके। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इतना आए हो और बहुत आपने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः चुना आप लोगों ने आपके प्रति आभार मैं व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और आपका चुना हुआ ये वोट दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिंदाबाद नेताजी अमर रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे समाजवाद अमर रहे जय हिंद। Yeah.